CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पत्थर का सूप। कहते हैं कि आयरलैंड में किसी जमाने में एक बूढ़ा रहता था। वो था बड़ा अक्लमंद। वो एक बार दूर दराज के सफर पर रवाना हुआ। उसके पास जो कुछ था सब खत्म हो गया। अब तो वो भूखा रहने पर मजबूर था। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे, और भूख थी कि बराबर बढ़ती जा रही थी। इधर बारिश होनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। बहुत बारिश पड़ रही है, कपड़े भी भीग गए, कहाँ जाऊँ, इतनी रात है। सामने मकान है, करीब जाकर देखता हूँ। वाह, ये तो शानदार मकान है, क्या करूँ। हिम्मत करके अंदर चला ही जाता हूँ। चलो चलो। वो हिम्मत करके मकान के करीब चला गया। अरे यहाँ कोई रहता है? अरे यहाँ कोई रहता है? दरवाजा खुला। ये रसोई घर था। बावर्ची ने कहा, जी कहिए, यह बावर्ची खाना है। आपको मुझसे क्या काम है? जी मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। मुझे भी बहुत काम है, अभी मुझे खाना बनाना है। मालिक के आने का वक्त हो गया, तुम यहाँ से भाग जाओ। देखिए, मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो। देखते नहीं मारे सर्दी के थर थर कांप रहा हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, जरा मेरे ऊपर रहम करके मुझे इतनी इजाजत दे दो कि तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊँ। बस मैं थोड़ी देर ही बैठूंगा। ठीक है ठीक है, तो तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, लेकिन देखो मेरा वक्त खराब मत करो, चुपचाप बैठो, चलो। जी 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 जी, शुक्रिया 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 शुक्रिया। इधर से भी सुखा लूं, उधर से भी सुखा लूं। वो बूढ़ा शुक्रिया कहकर आग के पास बैठ गया। आग तेज तो थी ही, उसके कपड़े सूख गए और उसके बदन में गर्मी आई। अब उसकी भूख और बढ़ गई। आखिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसकी समझ में एक तरकीब आई। हाँ, क्या करूं, कपड़े तो सूख गए, मेरी तो भूख और बढ़ गई है, कोई तरकीब लगानी होगी। भाई क्या तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ? अच्छा? मैं बहुत अच्छा सूप तैयार कर सकता हूँ, इसमें खर्च भी कम होता है, और इसे पत्थर से तैयार करते हैं। क्या? पत्थर का सूप? भाई मैंने तो ऐसे सूप का नाम कभी नहीं सुना। भाई सुनो, तुम कैसे बनाते हो ये सूप? अरे इसमें क्या मुश्किल है, मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ, फिर तुम भी पकाते रहना। तो ठीक है, ठहरो। ये लो हांडी और ये लो पानी। बावर्ची ने उसे हांडी और पानी दे दिया। बूढ़े ने हांडी में थोड़ा पानी भरकर आग पर रख दिया। फिर उसने एक साफ सुथरा पत्थर जेब से निकाला और अच्छी तरह धोकर हांडी में डाल दिया। बस 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 बस, अब ये रहा पत्थर। अब इसे हांडी में डाल दो। डाल दो डाल दो डाल दो डाल दिया। पानी चखूं? वाह, बड़ा मजेदार सूप है। मैं जरा नमक पड़ेगा। भाई तुम तो जानती हो नमक तो हर खाने में होना जरूरी है। जरूर जरूर।
ये मेज पर सब्जी रखी है ना? हाँ हाँ सब्जी है, इसे भी डाल देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, डाल दो डाल दो। बड़ा अच्छा सूप तैयार होने वाला है, बस जरा सा लहसुन और प्याज पड़ेगा। तुम इसे देखते रहो। है ठीक है, देखो देखो कहीं ज्यादा ना पक जाए। ना, ना, ना। मैं अभी प्याज और लहसुन लेकर आता हूँ। ले आ, ले आ, ले आ। ये लो दोनों चीजें। लाओ 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 ला। डाल देता हूँ इसमें। बस अभी हुआ जाता है। वाह वाह वाह, कितना अच्छा सूप तैयार हुआ। बस जरा इसे चलाने की जरूरत है। चलाओ चलाओ। बावर्ची भी बड़े गौर से हांडी को देख रहा था। वो सोच रहा था, अगर ये सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब से पत्थर का सूप पकाकर लोगों को दिखाऊंगा और सबको हैरत में डाल दूंगा और लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर दूर के मुल्कों से आया करेंगे। ए भाई, बावर्ची भाई, भाई सूप तो अच्छा है, अलबत्ता जरा पतला है, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ आटा हो तो मुझे दे दो, इसमें डालकर सूप को गाढ़ा करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, अभी लाया। ले आओ ले आओ लाओ लाओ, ये लो आटा। ले आया ले आया ले आया, ये आटा मैं डालता हूँ सूप में। फिर से चलाओ, खूब पकाओ, खूब पकाओ रे, चखते जाओ चखते जाओ चखते जाओ रे, चखू। अरे भाई जरा सी कसर है, वरना मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ऐसा सूप चखा भी नहीं होगा। ना भाई ना, मैं कहाँ चखता। और मुझे तो हैरत है कि पत्थर का सूप भी तैयार हो सकता है। मगर सुनो, अब क्या कसर रह गई इसमें। अरे बावर्ची भाई, इस वक्त कहीं जरा सा मक्खन और बूंद भर दूध होता तो हम ये पत्थर का सूप बादशाह को भी पेश कर सकते थे। बादशाह को? ठहरो ठहरो, मेरे पास मक्खन और दूध दोनों हैं। ठहरो, ये लो ये लो ये लो, ले लो ले लो। बस 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 बस, ये दूध डाला हांडी में। घुमाओ रे घुमाओ, चलाओ रे चलाओ। वाह वाह वाह, इतना शानदार सूप तैयार हो रहा है। देखो, किसी और चीज की जरूरत हो तो बताओ। हाँ हाँ बताओ। है क्या है? बस जरा से सब्र की जरूरत है। अब तुम देखना कितने मजे की हांडी तैयार होती है। अरे अब तो तमाम रसोई में हांडी की खुशबू फैल रही है, और वो भी पत्थर के सूप की। अरे ये कोई हैरत की बात नहीं है, मैं तुमको कमाल तो अब दिखाता हूँ। अच्छा दिखाओ। मैं हांडी में से ये पत्थर निकाल रहा हूँ। ये पत्थर अभी ज्यों का त्यों मौजूद है। है? ये देखो। वाह, ये तो कमाल हो गया। चलो मिल के आधा आधा सूप पियेंगे। हाँ हाँ, खूब पियेंगे खूब पियेंगे। वाह, पत्थर का सूप। बूढ़े ने वो पत्थर बावर्ची को दे दिया। दोनों ने आधा आधा सूप पिया। बावर्ची को खूब मजा आ गया। बूढ़े ने भी खूब डट कर सूप पिया। पत्थर का सूप, पत्थर का सूप। पत्थर का सूप। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर चमन आरा, कलाकार शमाइला परवेज
और नीरज शर्मा, ध्वनियांकन बटीलैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।